अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम जस्ट सिद्दीक हियर। आज हमने फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करना है, जो कि है डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स, या यू कैन से किंगडम प्लांट। स्टूडेंट ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किए कि सर इसी चैप्टर को स्टार्ट कर ले, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन मैं अपने स्टूडेंट को बता दूं कि किंगडम प्लांटी का जो चैप्टर है ये बहुत ही आसान है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन थोड़ा सा अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा। अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि सर टॉपिक में एमसीक्यूज भी बताया करो। अगर आपको टॉपिक क्लियर हो जाए, आपका किसी टॉपिक पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो उसी टॉपिक पर जितने भी एमसीक्यूज आते हैं ऑटोमेटिकली आप इसको कर सकते हैं। लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, हटा नहीं होना चाहिए। तो इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह इस चैप्टर को, आप लोगों को इंशाल्लाह बड़ी आसानी से आपको समझ आ जाएगी। और ये चैप्टर जो है ये बेसिकली डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स के, प्लांट के दरमियान में क्या डाइवर्सिटी है, इसके दरमियान में वेरिएशन किया है, कौन कौन से प्लांट पाए जाते हैं। नॉर्मली जब आप प्लांट का नाम सुनते हैं तो आपके जहन में आता है कि इसमें बहुत बड़ा दरख्त होगा, इसमें रूट्स होंगे, स्टेम होगा, लीफ होगा, बिल्कुल इसी तरह ही है, बट नॉट इन ऑल केसेस, क्योंकि सारे प्लांट्स में लीफ, स्टेम और रूट्स नहीं होते, बल्कि हमारे पास ऐसे भी प्लांट्स हैं जिसमें लीफ होते ही नहीं है, उसका स्टेम ही फोटोसिंथेटिक होता है। हमारे पास ऐसे प्लांट भी है जिसमें ट्रू रूट्स नहीं होते, बल्कि उसकी जगह पर राइजॉइड होते हैं। बस ऐसे भी प्लांट होते हैं जिसमें स्टेम नहीं होता, बल्कि उसमें फिर राइजोम होता है, हॉरिजॉन्टली प्लेस स्टेम होता है, अंडरग्राउंड होता है जमीन के अंदर। तो इंशाल्लाह इसको हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर को। चूँकि हम स्टार्ट कर रहे हैं डाइवर्सिटी अमंग प्लांट, तो सबसे पहले प्लांट की डिफिनीशन जो है ज़रूरी है, आपको प्लांट के डिफिनेशन के बारे में आपको पता हो। तो प्लांट क्या होता है? प्लांट में भी डिफाइन इज यूकैरियोटिक, मींस दे हैव ट्रू न्यूक्लियस, दे हैव मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस, मींस क्रोमोसोम्स आर इनक्लोज्ड विद इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि हम पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। मल्टीसेलुलर मींस बॉडी कंसिस्ट ऑफ मेनी सेल होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, ऑटोट्रॉफिक होता है, अपना खुराक खुद तैयार करते हैं, बॉडी के अंदर क्लोरोफिल होता है प्लांट में जो सनलाइट एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं और अपना खुराक खुद बनाते हैं, विद सेलुलोजिक सेलवाल, और प्लांट का जो सेलवाल है वो सेलुलोज से बना होता है। अब आपके जहन में ये भी आता होगा कि सर एल्जी जो है वो भी तो अपना खुराक खुद तैयार करते हैं, लेकिन उधर फर्क क्या है? उधर फर्क ये है कि जो एल्जी होते हैं उसमें ज्यादातर यूनिसेलुलर भी है, और प्लांट क्या ऐसा है मल्टीसेलुलर है, ठीक है। और प्लांट का जो सेलवाल है वो सेलुलोज से बना होता है, जबकि एल्जी में कुछ प्रोटीन्स कंपोनेंट्स भी शामिल होते हैं सेलवाल के फॉर्मेशन में। तो ये एक डिफिनेशन है प्लांट का, अगर ये प्रॉपर्टीज हो तो ये क्या होगा, ये आपके पास प्लांट होगा। प्लांट की प्रॉपर्टीज, अगर क्वेश्चन आ जाए कि राइट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लांट्स, तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लांट्स क्या, सबसे पहले प्लांट्स आर यूकैरियोटिक, दे हैव ट्रू न्यूक्लियस, प्लांट्स आर मल्टीसेलुलर, इसकी बॉडी मेनी सेल्स पर कंपोज करती है, ठीक है। दे आर फोटोसिंथेटिक, दे आर हैविंग क्लोरोफिल, मीन दे आर क्लोरोफिलस ऑर्गेनिजम्स, वंस दे हैव क्लोरोफिल it means they carried out the process of photosynthesis, so they are called autotrophic organism, self nourishment, apna khurak khud taiyar karte hain. iske alawa iske body ke andar cellulose hota hai jo cell wall ko banate hain, theek hai. iske alawa plant jo hote hain wo stationary hote hain, apni jagah par fixed hote hain, ye bhi property hai. iske alawa plants can be differentiated into true root, stem and leaves, बट नॉट इन ऑल केसेस, यहाँ पर मैं ये ऐड करूँ बट नॉट इन ऑल केसेस, क्योंकि ऐसे भी प्लांट्स है जो मैंने आपको पहले बताया कि उसमें लीव्स नहीं होती, उसमें ट्रू रूट्स नहीं होती, बट
बट नॉर्मली जो आपको नजर आते हैं ये जो प्लांट्स इसमें ट्रू रूट स्टेम और लीव्स होते हैं बट नॉट इन ऑल केसेस। ये भी क्या इसकी प्रॉपर्टी है। इसके अलावा प्लांट जो होते हैं इसमें क्या होती है, उसमें गिम्यूट्स फॉर्मेशन होती है, ठीक है। गिम्यूट्स फिर जायगोट बनाते हैं, जायगोट से एम्ब्रियो होती है, एम्ब्रियो से फिर बाद में ऑफस्प्रिंग नया प्लांट जो होता है ये पैदा होता है। इसके अलावा ये प्लांट जो अभी हम इसका क्लासिफिकेशन भी हम पढ़ेंगे, इसमें प्लांट हर एक प्लांट का अपना एक लाइफ साइकिल होता है। ये लाइफ साइकिल जो प्लांट में होता है ये किस तरह कंप्लीट करते हैं, इसके लिए एक फिनोमेना होता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। व्हाट इज मीन बाय अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है, वो प्रोसेस होता है जिसमें स्पोरोफाइट, फॉर एग्जाम्पल ये स्पोरोफाइट है, ये गेमिटोफाइट है, स्पोरोफाइट अल्टरनेट विद द गेमिटोफाइट एंड दिस गेमिटोफाइट अल्टरनेट विद द स्पोरोफाइट एंड दिस स्पोरोफाइट अगेन अल्टरनेट विद द गेमिटोफाइट एंड दिस गेमिटोफाइट अगेन अल्टरनेट विद द स्पोरोफाइट एंड द लाइफ साइकिल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। वो फिनोमेना, वो प्रोसेस जिसमें स्पोरोफाइट जनरेशन अल्टरनेट करता है, प्रोड्यूस करता है गेमिटोफाइट को, गेमिटोफाइट अल्टरनेट करता है स्पोरोफाइट के साथ, गेमिटोफाइट से फिर बाद में स्पोरोफाइट पैदा होता है और ये सिलसिला चलता रहता है और इसी को हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो देखिए व्हाट इज मीन बाय अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये मैं आपको इसलिए यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आगे जो है ये हर जगह पर ये फिनोमेना आता है इसी चैप्टर में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। सो यू शुड नो दैट व्हाट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दो डिस्टिंक्ट जनरेशन पर मुश्तमिल होते हैं, एक होता है स्पोरोफाइट, एक होता है गेमिटोफाइट। स्पोरोफाइट एंड गेमिटोफाइट, स्पोरोफाइट मीन स्पोर मीन स्पोर्स, फाइट मीन प्लांट, दोस प्लांट विच प्रोड्यूस स्पोर्स आर कॉल्ड स्पोरोफाइट। गेमिटोफाइट, गेमिटो मीन गेमिट्स, स्पर्म एंड एग्स, फाइट मीन प्लांट, दोस प्लांट विच प्रोड्यूस गेमिट्स आर कॉल्ड गेमिटोफाइट। सो दीस टू आर द डिस्टिंक्ट जनरेशंस। सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट इनसिक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब स्पोरोफाइट क्या होता है, ये ट्विन डिप्लॉइड, इसमें डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। हमेशा जब आपके पास एक डिप्लॉइड बॉडी होती है, जब वो एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करता है, सो दैट इज बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। इससे पहले मैंने आपको डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस का टॉपिक आपको पढ़ा है, वहां पर मैं ये चीजें डिटेल से आपको पढ़ा चुका हूँ। तो स्पोरोफाइट अगर जो एक डिप्लॉइड बॉडी है, जब ये हैप्लॉइड स्पोर्स को जो कि मैंने एन से शो किया है, ये स्पोर जब ये पैदा करता है फिर ऑलवेज बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। अब ये स्पोर जो होता है ये फिर जर्मिनेट हो जाती है जब इसको सूटेबल एनवायरनमेंट मिलता है, मौजूद एनवायरनमेंट इसको मिलता है, पानी मिलते हैं, सूटेबल टेम्परेचर इसको मिलता है, क्लाइमेटिक कंडीशन इसके लिए नॉर्मल हो इसकी ग्रोथ एंड जर्मिनेशन के लिए, तो स्पोर जो होता है एक और नया जनरेशन या एक प्लांट बना लेता है, सब कहते हैं गेमिटोफाइट। अब ये स्पोर खुद हैप्लॉइड है, अब हैप्लॉइड से तो डिप्लॉइड पैदा नहीं हो सकता एक सिंगल हैप्लॉइड स्पोर से, तो इस स्पोर से क्या पैदा होगा, गेमिटोफाइट, जो क्या होगा, जो हैप्लॉइड होगा, क्योंकि हैप्लॉइड से हैप्लॉइड ही पैदा होता है। अब यहाँ पर कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होगा, माइटोसिस इन्वॉल्व होगा। अब गेमिटोफाइट क्या है, ये गेमिट्स प्रोड्यूसिंग जनरेशन है, तो गेमिट्स पैदा करते हैं। अब खुद ये हैप्लॉइड है, अगर गेमिट्स क्या होते हैं, गेमिट्स भी क्या होती है, हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। और मेल गेमिट हैप्लॉइड, फीमेल गेमिट हैप्लॉइड होता है। जब एक हैप्लॉइड बॉडी से हैप्लॉइड गेमिट्स पैदा होते हैं, सो दैट विल बी बाय द सेल डिवीजन प्रोसेस कॉल्ड माइटोसिस, ठीक है। अब गेमिट्स पैदा हो गए तो ये दो किस्म के हैं, मेल गेमिट एंड फीमेल गेमिट। ये मेल गेमिट और फीमेल गेमिट आपस में फ्यूज हो जाते हैं, क्या बनाते हैं, जायगोट। अब जायगोट आपके पास क्या होगा, ट्विन होगा, क्योंकि मियोसिस का एक सिग्निफिकेंस ये भी है कि रिस्टोर द डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब दोबारा इन हैप्लॉइड हैप्लॉइड दोबारा इसने रिस्टोर किया किस चीज में, डिप्लॉइड में, जायगोट बन गया, जायगोट में डिविजन हो जाती है, एम्ब्रियो बन जाता है, ठीक है। और एम्ब्रियो भी डिप्लॉइड होकर भी डिप्लॉइड बॉडी से पैदा हुई है, और एम्ब्रियो बाद में एक नए प्लांट में स्पोरोफाइट में कन्वर्ट होगा, और डिफरेंट स्पोरोफाइट आपके पास क्या होगा, डिप्लॉइड, क्योंकि डिप्लॉइड बॉडी से पैदा हो गया है, ठीक है। तो अगर आपके एमसीक्यूज आ जाए कि स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम स्पोरोफाइट बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, अगर आपके पास
क्वेश्चन आ जाए कि स्पोरोफाइट प्रोड्यूस द गैमेटोफाइट बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, ये आपके पास गैमेटोफाइट एक हैप्लॉइड बॉडी है, ये हैप्लॉइड गैमेट्स पैदा करते हैं, तो कौन से प्रोसेस की मदद से, कौन से सेल डिवीजन मेथड की मदद से, दिस इज माइटोसिस, दिस इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है इसको बाद में हम हर एक प्लांट के साथ हमने पढ़ते हैं। तो अभी हम केवल प्लांट के मीन्स प्लांट के डिवीजन के बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं, किसी क्लासिफिकेशन किया है, कैसे इसको ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में क्लासिफाइड किया गया है। जिस तरह के आप लोगों ने टैक्सोनॉमी में पढ़ा था, टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशंस, ग्रुपिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। एक जैसे खसूसियात या डिफरेंट खसूसियात की बुनियाद पर मुख्तलिफ प्लांट्स को, मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म को मुख्तलिफ ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में, मुख्तलिफ डिवीजन और सब डिवीजन और क्लासेस में इसको क्लासिफाइड किया जाता है। तो देखिए अभी बात, प्लांट के दो मेन डिवीजन है, ब्रायोफाइटा या ब्रायोफाइट्स एंड ट्रैकोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स एंड ट्रैकोफाइट्स। अब ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं, ये नॉन मस्कुलर प्लांट्स होते हैं, दे आर कॉल्ड नॉन वस्कुलर प्लांट्स, मीन्स वस्कुलर प्लांट, वस्कुलर का मतलब क्या है, जाइलम और साथ साथ फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम को कलेक्टिवली वस्कुलर बंडल या वस्कुलर टिश्यू कहा जाता है। दे आर नॉन वस्कुलर, इसके अंदर जाइलम और फ्लोएम नहीं होते। तो क्वेश्चन पैदा होता है कि फिर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, इसमें सेल टू सेल डिफ्यूजन होता है, जो कि हम इसी टॉपिक में फिर बाद में डिटेल से पढ़ेंगे। दूसरा प्लांट का डिवीजन क्या है, ट्रैकियोफाइटा, दे आर कॉल्ड वस्कुलर प्लांट्स, दे हैव वस्कुलर टिश्यू, दे हैव जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम में क्या होता है, वाटर की तरसील होती है, फ्लोएम में क्या होता है, फूड की ट्रांसपोर्ट होती है। अब ब्रायोफाइट्स को तीन डिफरेंट सब डिवीजन में क्लासिफाइड किया गया है, हेपेटोकार्पसिडा, एंथोसराप्सिडा, ब्रायोप्सिडा। हेपेटोकार्पसिडा, हेपेटिक का लफ्ज मेडिकल टर्मिनोलॉजी में लीवर के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें जो प्लांट शामिल है, रिक्सिया और मर्केंशा वगैरह जो होते हैं, ये कुछ लीवर की तरह होते हैं, डार्सो वेंट्रली फ्लैटन होते हैं, डार्सल साइड और वेंट्रल साइड फ्लैट होते हैं, वो प्लांट जो होते हैं इसमें रिक्सिया और मर्केंशा का ताल्लुक इसी ग्रुप से होता है। दूसरा जो है एंथोसराप्सिडा, इसको हॉर्न वार्ट्स, इसको लीवर वार्ट्स, इसको हॉर्न वार्ट्स, इसके सिंगनुमा होते हैं, जिस तरह की सिंग की तरह जिसमें स्ट्रक्चर होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एंथोसराप्सिडा। एंथोसरस का जो प्लांट होता है उसमें क्या होता है, इसमें ये सिंगनुमा स्ट्रक्चर होते हैं। थर्ड जो सब डिविजन है ब्रायोप्सिडा, इसको हम कहते हैं मॉसेस, मॉसेस फ्यूनेरिया आपके कोर्स में शामिल है। तो फ्यूनेरिया मॉसेस वो प्लांट होते हैं जो दलदली जमीन में पाए, जहाँ पर कीचड़ वगैरह, जहाँ पर पानी वगैरह होते हैं, मॉइस्ट एनवायरनमेंट होता है, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। इतनी क्लासिफिकेशन के ब्रायोफाइट कहते हैं। अब ट्रैकियोफाइट जो कि वस्कुलर प्लांट्स है, दे पोजेस जाइलम एंड फ्लोएम। अब ट्रैकियोफाइट को फर्दर फोर ग्रुप्स में क्लासिफाइड किया गया है, साइलोप्सिडा, इसका एग्जाम्पल है साइलोटम, लाइकोप्सिडा, एग्जाम्पल है लाइकोपोडियम, स्फिनोप्सिडा, हार्स्टेल्स, ठीक है, टीराप्सिडा, जिसमें जो होता है फिर फर्दर जो होते हैं आपके पास तीन क्लासेस शामिल होते हैं, ठीक है, जिसको हम इंशाल्लाह वन बाय वन हम इसको पढ़ेंगे। अब टीराप्सिडा जो होता है ये फिर क्या होता है, ये फर्दर तीन क्लासेस में क्लासिफाइड किया गया है, फेलिसिलिन जिसमें फर्द शामिल होते हैं, एडियंटम वगैरह शामिल होते हैं, एंजियोस्पर्म, फ्लावरिंग प्लांट्स, दोज प्लांट्स इन विच फ्लावर्स आर प्रोड्यूस, विच प्रोड्यूस फ्लावर्स, और इसी फ्लावर्स से फिर बाद में क्या होते हैं, फ्रूट बनते हैं, दोज प्लांट्स इन विच सीड्स आर इनक्लोज्ड इनसाइड द फ्रूट, दोज प्लांट्स इन विच ओव्यूल्स आर इनक्लोज्ड इनसाइड द ओवरी, और जिम्नोस्पर्म, नेकेड सीडेड प्लांट्स, दोनों में सीड होते हैं लेकिन ये नेकेड होते हैं, यहाँ पर ये फ्रूट के अंदर इनक्लोज होते हैं। इस तरह के आप लोगों ने चलगोजा, उसका कोन होता है, कोन जब ओपन हो जाता है इसके अंदर सीड होते हैं जो किसी फ्रूट के अंदर इनक्लोज नहीं होते, तो ऐसे प्लांट को हम कहते हैं जिम्नोस्पर्म। लेकिन अगर आप देखें इसी ट्रैकियोफाइटा की क्लासिफिकेशन को, आप देखें इसमें जो आपके पास ये वाला ग्रुप है फेलिसिलिन, इसको हम कहते हैं नॉन स्पर्मेटोफाइट, नॉन स्पर्मेटो
फाइट. स्पर्मा मीन्स अ सीड, फाइट मीन प्लांट, मीन नॉन सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट. इसमें सीड पैदा नहीं होते बल्कि स्पोर्स की मदद से जर्मिनेट करते हैं. और जो ये दोनों जो है आपके पास, दोनों में सीड पैदा होते हैं एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में, दे आर कॉल्ड स्पर्मेटोफाइट. स्पर्मेटोफाइट्स, ये स्पर्मा मीन सीड, इसमें सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट है, सीड की मदद से क्या करती है, जर्मिनेट करते हैं. ठीक है, ये तो आपका क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स. इंशाल्लाह इसी क्लासिफिकेशन को हम डिटेल से पढ़ेंगे. यहाँ पर कुछ लाइफ साइकिल भी इंक्लूड है, फ्यूलेरियास में है, ठीक है, जिम्नोस्पर्म का लाइफ साइकिल, एंजियोस्पर्म का लाइफ साइकिल. यहाँ पर हम एडियंटम के बारे में हम पढ़ेंगे, उसका लाइफ साइकिल जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें एमसीक्यूज मुख्तलिफ जगहों पर आप इससे पिक कर सकते हैं. ठीक है, तो इंशाल्लाह ये काफ़ी आसान चैप्टर है, आपको इंशाल्लाह ये आपको काफ़ी ईजी फील होगा जब हम इसको पूरा डिस्कस करेंगे. ठीक है, अगर फिर भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा हो जहाँ पर आपको समझ आई हो, तो फिर आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. अल्लाह हाफिज़.